नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। मौजूदगी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी मौजूद है। राय विधानसभा से विधायक है और मौजूदा सोनीपत लोकसभा से कैंडिडेट भी है बीजेपी के। जी हां, मोहन लाल बड़ोली जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को जय श्री राम, और आंचल कादियान जी आपका भी स्वागत अभिनंदन। आप सोनीपत पहुंचे और बहुत बहुत आभार आपका जी। सर आज वोटिंग हुई है, मन में धक धक हो रही है, ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, 4 तारीख का इंतजार। मैंने अपनी आंखों से जनता के मूड को देखा है, मैंने अपनी आंखों से जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से दिया है वो देखा है, और उनकी भावनाओं को समझा है, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत सोनीपत लोकसभा में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से होगी। और ये जीत लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार 10 वर्षों की विकास के काम, जनता की सेवा के कार्य और देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका विश्वास, और मोदी जी पर जो विश्वास जनता ने किया है, वही उस विश्वास की जीत इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की, एक करनाल की उपचुनाव, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे, और इसी प्रकार से 10 की 10 लोकसभा की बड़ी जीत दर्ज होगी, और 11 कमल के फूल 4 जून को मोदी जी के हाथ में सौंपने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि जीत से आप आश्वस्त हैं, सभी की सभी सीटों से लेकर के आप जनता के बीच पहुंचे, हालांकि आज मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन इससे पहले जब चुनाव प्रचार के दौरान आप जनता के बीच पहुंच रहे थे, किन मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे थे? सोनीपत के लोकल मुद्दों का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर। सोनीपत के लोकल मुद्दे, सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाना, मेट्रो रेल लेके आना, रैपिड रेल लेके आना, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको अच्छे से डेवलप करना, इसको अच्छे से स्मार्ट सिटी के रूप में सोनीपत को विकसित करना, और सोनीपत की जनता की जो रोज की समस्याएं हैं उनसे निजात मिले, और जनता जो सरकार के द्वारा जो सहायता की जाती है वो जनता को सीधी मिले, ये सही सारे मुद्दे हम लेके जनता में चर्चा की है, और जनता में उन सब मुद्दों पर विचार मंथन हुआ है, और विचार मंथन होने के बाद जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प पत्र, हमारी पार्टी का जो चुनाव का संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो मोदी जी के विश्वास की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, और लोगों के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, जो मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में दी है, भारतीय जनता पार्टी पर जो जनता ने विश्वास किया है, और उस विश्वास पर ही जनता ने वोट करने का काम किया है। आखिरी सवाल, 4 जून को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, और जाते जाते सोनीपत की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि अगर मैं जीतता हूं तो ये करूंगा, या फिर अगर ना चाहे ऐसा ना हो, अगर हार का सामना हुआ तो उस वक्त क्या आप जनता की सेवा करना छोड़ देंगे? जनता के बीच में जब मैं विधायक नहीं था जब भी सेवा की है, और विधायक बन के भी सेवा की है, और अब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और 100% 4 जून को अच्छा रिजल्ट आएगा, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, और 100% रिजल्ट आएगा, और मैं जनता की सेवा करने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन लाल बड़ोली जी थे, और अपनी जीत को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ न्यूज इंडिया के लिए।